हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 मई 2022 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से करके चलना, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉप 15 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? ये जो एक बीमारी है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, इससे किस देश के राष्ट्रपति पीड़ित हैं? तो चीन के राष्ट्रपति पीड़ित हैं, ऑप्शन बी सही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, उन्हें पिछले साल इसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रल एन्यूरिज्म दिमाग की एक खतरनाक बीमारी है, यह बीमारी दिमाग के किसी भी भाग में हो सकती है। बता दें, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है, हालांकि 50 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों को यह बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, अनुवांश के रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्क की क्षति या ट्यूमर की समस्या ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, संतूर वादक। देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया, वे 84 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पंडित उमादत शर्मा भी जाने माने गायक थे, संगीत उनके खून में ही था। संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित वाद्य यंत्र है जिसे शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया था। उनके निधन से शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक युग समाप्त हो गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस हम कब मनाते हैं, आपको बताना है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो 1 मई का मजदूर दिवस, एक 11 मई का टेक्नोलॉजी दिवस, दोनों ही मई के इम्पोर्टेंट डे हैं, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों दिवस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 11 मई की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, टेक्नोलॉजी दिवस हम मनाते हैं। भारत में हर एक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद करता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों में भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने हेतु इस दिवस को हम मनाते हैं। अगला है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं। अगला है कि सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? कितने करेगी, आपको बताना है। तो टोटल 33 करने वाली है, 33 करने वाली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरकार वर्ष 2024-25 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्गो क्षेत्र में सुधारों के बारे में सिंधिया ने कहा कि उद्योगपतियों को 1 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीयर 2 और 3 शहरों से महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य छोटे आकार के विमानों की खरीद से हासिल किया जा सकता है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, ऑप्शन हमारे पास डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत लक्ष्य कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है आपको बताना है। तो 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन बी से होगा। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है, सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है कि 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, ऑप्शन हो जाएगा डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। अगला है कि 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यून सुक येओल ने ली है, ऑप्शन फर्स्ट, यून सुक येओल ने शपथ ली है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यून सुक येओल ने 10 मई को शपथ ली। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? 100वां बन गया है, 100वां बन गया है, ऑप्शन डी सही होगा। ओपन बेंगलुरु बेस्ड एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में नए फंड जुटाए हैं जिससे इसका मूल्यांकन $1 बिलियन तक बढ़ गया है, जिसके साथ ही यह हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। इस ओपन स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2017 में अनीश, उनकी पत्नी नाबेल चाको और उनके भाई अजेश अच्युतन ने की थी, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान राज्य बन गया है, ऑप्शन डी, राजस्थान। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक भारत का राजस्थान राज्य हाल ही में 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में कुल 32.5 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है, अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। अगला कि भारतीय एथलीट अविनाश सेबल ने हाल ही में कितने मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5000 मीटर। भारतीय एथलीट अविनाश सेबल ने हाल ही में 5000 मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में अमेरिका के सेन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13:25.65 के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13:29.70 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला की न्यूज में से किस चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेन लोन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र में रहने वाले हैं। भारत की हर्षदा शरद गरुड़ हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है, आपको बताना है। तो पहली भारतीय महिला बन गई है भारत की हर्षदा शरद गरुड़, हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है।
उन्होंने कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर 35 किलोग्राम भार वर्ग जीता, जिसमें स्नेच में 70 केजी और क्लीन एंड जर्क में 83 केजी शामिल है। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है, कितने राज्यों को किया है? तो टोटल हमारे पास 14 राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी 14 राज्यों में। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 14 राज्यों को 7183.42 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है। यह राज्यों को पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। ये 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। तो दोस्तों ये आज के टॉप 15 प्रश्न हो गए, वापस रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो, ताकि हाथों हाथ आपके सारे ये अच्छे से याद हो जाएं। साथ ही आपको PDF देखनी है तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप देखें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिलती रहती है, PDF आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस YouTube चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे क्या होगा कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।